फ्रेंड्स, बरसात का मौसम सभी पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। उसमें आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हो, जो कि मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। बट साथ ही साथ बरसात का मौसम बहुत सारे कीट पतंगों को भी लेके आता है अपने साथ। तो इसी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग कुछ इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो उसी के ऊपर है आज का वीडियो। तो मैं कौन कौन से इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करती हूँ वही मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, और वो आपको किस रेट में मिल जाते हैं वो भी बताती चलूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं जो मेरे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हो, फंगल इन्फेक्शन हो और पेस्ट का अटैक हो, उन सभी से ये सारे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सभी का जो नाम है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं वो सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। जो सबसे पहला फ्रेंड्स पेस्टिसाइड है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी वो है ये इमिडाक्लोप्रिड। और ये कई सारे ब्रांड्स बनाते हैं, बट मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैंने लोकल एग्रीकल्चर शॉप से ही लिया था। बट अगर आप लोग को बाय करना हो तो आप ऑनलाइन ही बाय करना, अमेजोन फ्लिपकार्ट से, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है इमिडाक्लोप्रिड, और इसका जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक जो है इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि आपके जो प्लांट में सबसे ज़्यादा मीली बग्स की प्रॉब्लम्स होती है, एफिड्स की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे पेस्ट होते हैं। तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये है, और बेस्ट बात ये होती है कि इसको स्प्रे करने के बाद आपको कम से कम 15-20 दिन, एक महीना, डेढ़ महीना आपको कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं देखने में मिलेगा। इसका असर काफ़ी दिनों तक बना रहता है, और बहुत ही ये छोटा सा ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर आता है ये, बट ये जो है मैंने तो लोकल शॉप से लिया था तो मुझे थोड़ा सा चीप भी मिला था, लेकिन जब अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ये 400 अराउंड आता है, और थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है। बट इसके जो है फ्यू ड्रॉप्स आप 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट करके और प्लांट को देते हैं, तो उससे जो है आपके प्लांट को काफ़ी दिनों तक जो है पेस्ट और इंसेक्ट्स के अटैक से प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इंसेक्टिसाइड होता है इमिडाक्लोप्रिड, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये पहले नंबर पे है। इसके बाद ये प्रोसैक है, और आजकल जैसे बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के जो है जो पेस्ट होते हैं बरसात के मौसम में बहुत सारे लगते हैं, मतलब मीली के एफिड्स के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये प्रोसैक है। तो बाकी जो भी सभी होते एक वुडी वुडी कलर के आते हैं, जो कि आपको मोगरे के प्लांट में बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, या छोटे छोटे से जिसके वाइट वाइट कलर के एग्स होते हैं, उस तरीके के बहुत सारे आजकल जो है मोगरा, जैस्मिन, ये सारे प्लांट पर लगने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनसे बचाने के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये शिवालिक का है, ये अच्छा लगा मुझे, ये भी मैंने लोकल एग्रीकल्चर शॉप से ही लिया था, और ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला था। और इसके भी बस फ्यू ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में आपको डाइल्यूट करके प्लांट को स्प्रे करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, स्पेशली जब स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं। स्पाइडर माइट भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, गार्डन में बहुत ज़्यादा स्पाइडर के अटैक होते हैं, तो स्पाइडर के अटैक में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है वो है ये नीम ऑयल। ये जैसे ऑर्गेनिक हम लोग जो लोग मतलब इंसेक्टिसाइड केमिकल वाला नहीं यूज़ करना चाहते पेस्टिसाइड, तो वो लोग जो है ये नीम ऑयल होता है और लिक्विड सोप डाइल्यूट करके बनाते हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल है, ये बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। तो ये छोटी सी डिब्बी मुझे तो 100 रुपीज़ की मिली थी, लोकल एग्रीकल्चर शॉप से ही मैंने बाय किया था। तो ये ऑर्गेनिक तरीका है जो लोग करना चाहते हैं सब्जियों फलों के लिए, तो नीम ऑयल बढ़िया रहता है। नेक्स्ट जो इंसेक्टिसाइड है वो ये रीजेंट का है, ये बेयर का रीजेंट है सॉरी, और ये एक इंसेक्टिसाइड है। जब जैसे हम लोग बहुत सारे लोग वो फलों और सब्जियों के जो पील्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं घर में ही, तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं, जो सॉयल बॉर्न डिजीज़ होती हैं, सॉयल में जो प्रेजेंट जो भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े होते हैं जिनको हम हमारे जो प्लांट होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हो। और बहुत सारे सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, अगर चींटी चीटा किसी भी तरीके से दीमक लग गई है
तो उसमें भी आप सॉइल ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो थंब रूल है वो ये है कि सॉइल ट्रीटमेंट आपको पहले करना, लगाने के बाद नहीं करना है। पहले ही आपको ये जो रीजेंट है, ये भी जो आपका पॉटिंग मिक्सचर, उसमें मिला कर, और ये इस तरीके से मैं दिखाऊँ आपको, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स में आता है छोटे छोटे, तो इसको आपको रखना होता है कम से कम 15-20 दिन आपको वो सॉइल यूज़ नहीं करनी होती है, और तब ये अच्छे से जो है अपना असर दिखा देता है। जो भी सॉइल होती है उसका ट्रीटमेंट कर चुका होता है, और धूप में आपको रखना होता है जो भी पॉटिंग मिक्सचर होता है। उसके बाद जब ये वर्क कर चुका होता है, उसके बाद बिल्कुल इसमें कोई भी फिर आपको जो भी केमिकल्स होते हैं उसका असर नहीं रह जाता, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं प्लांट में। इसके बाद सबसे बहुत ही बढ़िया ये जो है हिबिकी है, और ये भी बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो है पेस्टिसाइड है, जो कि आजकल जो है बहुत सारे सॉइल में प्रॉब्लम्स होती हैं बरसात के मौसम में, ख़ास तौर पे जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे केचुए होते हैं, केचुए तो कॉमन है, केचुए से पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, बट उसके अलावा भी बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जो कि प्लांट की रूट्स को खा जाते हैं, और प्लांट हमारा जो है स्लोली ग्रेजुअली उसकी रूट ख़राब होने लगती हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। जैसे दीमक भी कई जगह लग जाती है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगह चींटियाँ लग जाती हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए उन सारे सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए, और स्प्रे भी आप इसे कर सकते हो, तो आप इसे फोलियर स्प्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये है इफ़्को का हिबिकी, और ये इस तरीके के आधा लीटर का है ये पैक, और आधा लीटर का ये पैक मुझे पड़ा था 350 रुपीज़ का, बट इसमें भी वही है कि थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा वाला जो बिग साइज़ का टब आता है उसमें आप बनाओगे तो इसका एक ढक्कन डालना होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट आजकल कुछ लोगों के यहाँ जो है छोटे छोटे चींटी से भी छोटे साइज़ के कीड़े बनते हैं सॉइल में वाइट कलर के, तो उसे भी ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और ये मस्ट बाय है मेरे ख्याल से एवरी गार्डनर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और मैंने आप लोग को दिखाया भी था, वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना। तो ये हिबिकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है ये पोटेशियम पर मैगनेट। अब आजकल क्या होता है बरसात के मौसम में, जब हम लोग नर्सरी से नए नए प्लांट लेके आते हैं, और वैसे भी बाकी मौसमों में भी जब हम लोग प्लांट लेके आते हैं, तो नर्सरी में अक्सर क्या होता है कि स्नेल स्लग्स भी आ जाते हैं गार्डन में उनसे, और वो गमले के ऊपर बैठे रहते हैं, और उसके बाद रात के टाइम में वो पत्तियों पर चढ़ जाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, प्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए ये है पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट को आपको सॉइल में या पत्तों के ऊपर स्प्रे नहीं करना होता है, इसे आप गमले के साइड में स्प्रे कर सकते हो, और जो वाटर लिली होता है वाटर लिली के टब में जब एल्गाई बन जाती है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, इसको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, सॉइल में ऐड नहीं करना है, मगर आप इसको गमलों के साइडों में स्प्रे कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, स्लग स्नेल्स मर जाएंगे, और दूसरा आप इसे वाटर लिली के टब में जब एल्गाई ज़्यादा हो जाती है तब आप डाल सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया था। ये मेरा वाटर लिली का टब है जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ। आप सोच रहे होगे इसमें कोई भी पत्ते वगैरह अब नहीं है, क्योंकि ये सारे मैंने कट कर दिए, इसमें एल्गाई की प्रॉब्लम होने लगी थी, बार बार पानी चेंज करने के बाद भी बरसात के मौसम में एल्गाई कभी कभी नहीं जाती है, उस केस में क्या होता है कि आपको केमिकल प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, तो उस केस के लिए उस सिचुएशन में आपको पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यूज़ कैसे करना है, इसका हाफ इसमें ग्रैन्यूल्स में आता है ये, और इसका जो एक पैकेट होता है वो दो टब के लिए बहुत सफिशिएंट होता है, तो हाफ आप एक जो है बॉटल में डाइल्यूट करके, और उसको जो पानी होता है आपका टब का उसमें आपको डालना है, हाफ डालना एक टब में, हाफ डालना एक टब में, अगर आपके पास दो है, अगर आपके पास सिंगल टब है तो आप हाफ ही यूज़ करो। उसके डालने के बाद आपको दो दिन छोड़ देना है, छोड़ने के बाद जो है दो दिन के बाद पानी को पूरा चेंज कर देना है, और जो पुराने पत्ते थे उन्हें कट कर देना, जो न्यू ग्रोथ आ रही है या बढ़ जा रही है उन्हें आप रहने दो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद फ्रेश पानी आप डाल सकते हो, और उसके बाद आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगेगा दोबारा से। फिर दूसरा स्लग्स एंड स्नेल्स से बचाता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बिल्कुल नेचुरल होता है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, इसे आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। स्लग्स एंड स्नेल्स जो सॉइल में होते हैं वहाँ पे आप इसको जो है स्प्रिंकल कर सकते हो, और स्पेशली जब
पानी वानी आप दे चुके होते हो, तब आप इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उन्हें स्प्रिंकल कर दें सॉइल में, तो जो भी स्लग्स स्नेल्स होते हैं वो इसके कांटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाते हैं, गलना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी बॉडी, और वो जो है स्लोली ग्रेजुअली वो मर जाते हैं। तो आपका जो काफ़ी अच्छे से ये भी आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा एप्सम सॉल्ट एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी होता है प्लांट के लिए, तो आप जो है पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सॉइल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया जो फंजीसाइड होता है वो सॉइल बॉर्न डिजीजेस के लिए वो होता सिस्टमैटिक फंजीसाइड। आजकल बहुत ही ज़्यादा स्पेशली जो सक्युलेंट्स होते हैं, अडेनियम्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जहाँ पे सॉइल में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही होती है, या फिर आप नया प्लांट लगा रहे होते हो, तो आप प्रेफर करो कि हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सिस्टमैटिक फंजीसाइड सॉइल में ज़रूर ऐड करें, उससे जो भी उसमें फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सॉइल में तो वो मर जाए और हमारे प्लांट को कहीं से भी डैमेज ना हो। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये योमेटो, और ये जो है इफ्को का है, और ये 350 रुपीज़ का मिलता है 1 kg का पैक। इसके बाद फ्रेंड्स वुड ऐश आता है। वुड ऐश भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी होता है और पेस्टिसाइड भी होता है, जो कि फुल ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है, और साथ ही साथ स्लग्स एंड स्नेल्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जो कि सॉइल में बनते हैं बरसात के मौसम में उनको बिल्कुल ये दूर कर देता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही नेचुरल, और बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल जाता है। तो कहीं से भी आप वुड ऐश कलेक्ट करके, बहुत सारे लोग लाई चना वाले वगैरह अपने वुड ऐश यूज़ करने जो है जो भी कोयला वाला जलाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट करके बिल्कुल फ्री में अपने प्लांट के सॉइल में ऐड कर सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो, और ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है स्लग्स स्नेल्स और फंगल इन्फेक्शन से प्लांट को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।